मुझे इलाज की अभी तुरंत ज़रूरत है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है सच कुछ, तो मुझे दवा करना आज ही स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि 2-3 दिन से मैं इसको झेल रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, पर मैं ठीक नहीं हूँ। आज का ब्लॉग मैं हॉस्पिटल में बना रही हूँ, हॉस्पिटल में आज ये मेरा 3रा दिन है और सारे जांच करवा ली। डाउटफुल है, रिपोर्ट सारे अच्छे नहीं हैं तो डॉक्टर अभी बैठे नहीं हैं जिसको मैं रिपोर्ट दिखा सकूँ, तो मुझे लगता है कि और मुझे दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो मुझे जाना पड़ेगा किसी और हॉस्पिटल में क्योंकि तुरंत इलाज करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे आँखों के पीछे ना पेन हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं कई दिनों से इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, तो कोई भी बीमारी को पहले तो इग्नोर नहीं करना चाहिए और मेरी गलती थी कि मैं इग्नोर कर रही थी। तो अभी मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की वेट कर रही हूँ यहाँ पे और इसके बाद मैं दूसरे हॉस्पिटल गंगाराम वगैरह या कोई उसमें या आरएमएल में जाऊँगी, आरएमएल या गंगाराम हॉस्पिटल, इसके बाद रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी क्योंकि मेरी दवा शुरू जल्दी से नहीं हो रही है। दवा शुरू होगी तभी हमें आराम मिलेगा। मेरी आंखों को देख के लग रहा होगा कि और आँखों में दर्द है, काफ़ी सर में दर्द, आँखों में दर्द, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी अल्ट्रासाउंड का वेट कर रही हूँ, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आ जाए उसके बाद मैं जाऊँगी गंगाराम या कोई और हॉस्पिटल में। अभी तो मैंने तो सैंडविच लाई थी थोड़ा सा, तो उसको खा लिया क्योंकि अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड खाली पेट होता है, तो अल्ट्रासाउंड हो गया इसलिए मैं अब थोड़ा सा सैंडविच खा ली और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आते ही मैं जाऊँगी। आर के आश्रम के पास पता नहीं कौन सी चैरिटेबल ये लिफ्ट नहीं करा टाइम का। हूँ करोल बाग हॉस्पिटल, यहाँ पे है बनवारी लाल हॉस्पिटल और यहाँ पे ये जो यहाँ जो भंडारा चल रहा है, बनवारी लाल हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और ये अपने हाथों से आज अपने पिताजी के श्राद्ध के अवसर पर ये भंडारा करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं अपना काम भी करती रहती हूँ, हॉस्पिटल में इलाज कराने आई हूँ, साथ में वीडियो भी शूट कर लेती हूँ जहाँ जैसा मौका मिलता है। तो आप लोग, यह बनवारी लाल हॉस्पिटल मुझे डॉक्टर नहीं मिली तो मैं यहाँ पे पूरी सब्जी खा के इसके बाद मैंने ये सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ। सारे लोग इकट्ठे होकर गरम गरम पूरियाँ सब्जी, 2 तरह की सब्जी है, हलवा है, मैंने खुद खा लिया लेकिन बहुत सारे लोग खा रहे हैं, ज़रूरतमंद लोग खा रहे हैं, हॉस्पिटल में आए हुए लोग खा रहे हैं, कुछ ऑटो वाले भी यहाँ पूरी सब्जी गरम पूरी सब्जियों का आनंद ले रहे हैं। तो मैं अभी बात करूँगी बनवारी लाल हॉस्पिटल के चेयरमैन
क्योंकि अभी अपने हाथों से खाना परोस रहे हैं सभी को, उसके बाद जैसे ही ये फ्री होते हैं तो मैं बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग को मैं बता रही थी कि मैं जैसे कि अपना इलाज के साथ साथ अपने काम पे भी ध्यान रखती हूँ, तो ठीक बनवारी लाल हॉस्पिटल के पीछे ये एक मार्केट है जो कि मैंने अपने ब्लॉग चैनल के लिए, जो शॉपिंग विथ मी एक चैनल है, उसके लिए मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अलग अलग तरह की शॉपिंग का वीडियो बना कर डालती हूँ। तो जस्ट उसके पीछे होलसेल मार्केट था जो कि सोफ़ा वगैरह का था, तो मैंने उसका वीडियो शूट किया। और ये अपने इसके पूरी वीडियो आपको और पूरी डिटेल आपको हमारे उस चैनल पे मिल जाएगी जिसमें शॉपिंग विथ मी है। तो साथ साथ ये काम भी मेरा होता रहता है बीमारी के साथ साथ, तो कभी मुझे बैठना अच्छा ही नहीं लगता। तो यहाँ पे यहाँ देखिए ये जहाँ सोफे वगैरह यहाँ पर बन रहे हैं, तो पूरे मार्केट एकदम सोफे है, होलसेल का है, सोफा वगैरह गद्दे वगैरह यहाँ पे बनते हैं। 3,000 का। और कपड़ा कौन सा लगाओगे? कपड़ा दुकान में लगा हुआ है, देखो। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ है। ₹300 का पिंक वाला। अच्छा, अगर आप ब्लू में बनवाएंगे 10 ईयर गारंटी होगी। हाँ, पूरा ब्लू फॉर्म का होगा। हाँ, उसमें आपको पड़ जाएगा 10 साल। आपका दुकान का क्या नाम है? अनिल फॉर्म हाउस। अच्छा, हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है। कार्ड के ऊपर ना दो नाम है, आप ज़्यादा बेटर है ये वाली क्वालिटी बनवाना। तो फ्रेंड्स, बनवारी लाल हॉस्पिटल भी डॉक्टर नहीं मिली, और मैं आर के आश्रम हॉस्पिटल वहाँ दिखाया, वहाँ भी नहीं मिली। तो कल मुझे फिर आना होगा ये रिपोर्ट दिखाने और दवाइयाँ शुरू करने। तो आपको कल सारी चीज़ें बताती हूँ। बाय बाय।